नमस्कार दोस्तों, आज का तारीख है 26 सितंबर 2021। समय हो रहा है करीबन 11 बजने वाला है। मेरा सुबेरा हो चुका है और नौतरवा में आ चुका हूँ। देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है। दोस्तों आज मेरे घर में 2 लीटर का दूध गिर गया, पूरा का पूरा 2 लीटर दूध गिर गया। मगर घर का माहौल जो देखिए कितना शांत है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये पता चल गया होगा कि दूध किसने गिराया है। घर में अगर माहौल शांत है, कोई बड़बड़ तत्तर नहीं मच रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि दूध माननीय श्री श्री 1008 पांडे जी ने गिराया है। क्यों माता जी, इतना शांति है घर में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है एक दूसरे को। अगर यही गरिमा या बुलबुल होती, अगर इन दोनों लोगों में से किसी ने गिराया होता तो बवंडर मच जाता। क्या कही है हाँ, तो वो डर दहशत में बोलिए, डरते डरते बोलिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं चूंकि घर पे आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने फेवरेट बार्बर से चल के अपना बाल बनवा लेता हूँ, दाढ़ी उड़ी बनवा लेता हूँ, और उसके बाद में कहीं वापस गोरखपुर कल सवेरे निकलना है मुझे, तो तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि किसी नए चीज़ को ट्राई करने से पहले भाई पुराने चीज़ें का अगर संसाधन मिल रहे हैं आपको, तो उन पुराने संसाधनों का इस्तेमाल करें। वही मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे निकलना है महेश कौशल से मिलने के लिए और हमारे इंस्पेक्टर अनूप सर से मिलने के लिए। दोनों लोगों से मिलने के बाद में सुबह जैसा कि दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे 1 से 2 घंटे का समय यहाँ पे बीत जाता है मेरा, ठीक है, वेट करते हुए कि कब मेरा नंबर आए। तो एक्चुअली क्योंकि संडे का दिन बचा है बस मेरे पास में, तो मैंने कहा भाई साहब मुझसे डबल ले लीजिए, मगर मेरा काम जल्दी कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि सर मैं अपने जो कस्टमर हैं उनके बियॉन्ड नहीं जाऊँगा। तो मैं सिद्धू को धन्यवाद कहूँगा, सिद्धू यहीं तहसील के पास से ही हैं। इन्होंने कहा भैया ठीक है आप मेरे नंबर पर कटवा लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। धन्यवाद यार सिद्धू, तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों अभी फिलहाल 2 बज रहा है और मैं अपना दाढ़ी बाल कटा के तैयार हो चुका हूँ, मतलब एकदम अच्छा दिख रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो है सामान क्या क्या ले जाना है उसको डिसाइड किया था मैंने, तो सामान इतना ज्यादा हो गया था कि अब मुझे कार ले जाना ही पड़ेगा। हाँ अरे यार ये सब तुम कर सकती है। तो अभी फिलहाल जो है इतना, अभी मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए इतना सामान अभी इकट्ठा किया गया है। अभी मुझे व्हाइट बोर्ड, जब मान लीजिए कार ले जा रहा हूँ तो व्हाइट बोर्ड भी अपना लेते जा रहा हूँ, खाली टाइम वहाँ पे यूटिलाइज करूँगा मैं, कोशिश पूरा यही रहेगा। और उसके बाद गैस ले जाना है और बॉटल ले जाना है, मतलब बहुत बहुत चीज़ ले जाना है। तो उन सभी चीज़ों को जो है एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ और शाम तक कार को धुल के उसमें मैं उसको सब कुछ एकदम सेट कर दूंगा। और ज़रूरत पड़ा ना तो ये वाला चेयर मुझे बहुत प्यारा है, अगर ये हटने लायक हुआ तो चेयर ले जाऊंगा, सब कुछ ले जाऊंगा, मगर श्रेया मैम को और युग को अभी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जब तक सेटल नहीं हो जाता मुझे लगता नहीं है कि हाँ ठीक है अब वो भी ले जाएंगे डॉगी को भी क्या। हाँ डॉगी को भी ले जाएंगे। तो मतलब मेरा तो मन वहां पे ये कर रहा ना कि वहीं पे हम एक तोता पाल लें। कम से कम वही हमसे गुटर गावती आएगा। नहीं एक काफी है। अब उसके बाद में फिर वहाँ पे जब सेटल हो जाते हैं उसके बाद यहाँ से श्रेया मैम को ले जाएंगे ठंडियों में, जब ठंडी पड़ेगा तो आ नहीं पाऊंगा घर पे, तब श्रेया मैम चलेंगी वहीं पे रहेंगी। मान लीजिए सुगू को भी एसी का आदत है हमेशा से, तो ठंडी में एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देख सकते हैं आप लोग मेरे घर में कितना कर्कश मचा रहता है, ऐसे ऐसे लोग तो मेरे घर में पड़े ही रहते हैं। दुलारी को घर पे छोड़ के जा रहा हूँ और राम दुलारी को वहाँ पे कॉलेज के लिए लेके जा रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा चल रहा हूँ और इनको इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए, मतलब धूल तो दिया है मैंने। और एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि सामने पटरा रखा जिस पे कांटे निकला ढेर सारा, और यदि अगर मैं उसके से कार चला देता तो आई थिंक इसको पंचर होना तय था। तो चल रहे हैं इनको
थोड़ा सा रिपेयर कराने के लिए और वेदर ये ले जाने के लिए फिट हैं या नहीं है इसको भी दिखा देता हूँ। उसके बाद भाई साहब एक हफ्ते दो हफ्ते चलाऊंगा फिर वापस ले आके घर पे छोड़ दूंगा, क्योंकि इन एक दो हफ्तों में मुझे कई बार अप डाउन करना पड़ सकता है और सामान चूंकि ज़्यादा है तो इनको ले चलना। हो रहा है ऐसा कि मेरा इमरजेंसी लाइट खराब हुआ, उसको मैं गया सही जनवा बनवाने के लिए तो पता चल रहा इमरजेंसी लाइट सही है। मेरा कार खराब हुआ, इसका डोर लॉक नहीं हो रहा था, डोर मैं सही करवाने आया, देख रहा हूँ डोर सही है, मतलब खराब था बट ना जाने क्यों यहाँ पे आने के बाद में मैकेनिक के पास में वो चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। मनोरंजन के साधन का भरपूर मजा लेते हुए हमारे अंश द गेमर देख सकते हैं आप लोग। अभी दोस्तों मैं निकल रहा था महेश कौशल जी के पास में, उनसे कुछ सामान लेना था मुझे, तो मैंने सोचा ज़्यादा लेट ना कर, उसके बाद वहाँ से आऊँगा तो फिर हो सके तो अपने शनिश्चर के पास जाऊँगा मिलने के लिए। जैसे मेरे पास टाइम बचेगा उसी हिसाब से मैं सब कुछ यूटिलाइज करूँगा। अभी कार तो धुल दिया, सामान अभी उसमें पैक करना है, जो सामान है जो ले जाना उसको उसमें रखना है। और भाई साहब एक दिन मतलब मैं बैठा हुआ था और उसके बाद बहुत सोच रहा था कि संडे को घर जाऊं कि ना जाऊं, यहाँ पे मतलब आज जो है सभी लोगों से मिला तो अच्छा हो गया, मतलब ये एक तरह का टॉप अप है मेरे लिए संडे संडे घर पे आना, बट देखिए ठंडी में शायद ना हो पाइए। अभी जो है मैं मार्केट गया था तो मार्केट से ये अपने अनुप सर के यहाँ से लेके आया हूँ रियल मी का बड्स वायरलेस 2 नियो, और ये बहुत ही औसम काम कर रहा है, 17 घंटे का इसकी बैटरी बैकअप है। इससे पहले मैं चलाता था जो था बोट, मतलब पैसा तरा देने वाला। ये जो है मुझे 600 में नियर अराउंड 600 रुपये उसका पड़ा था, पेटीएम से मैंने इसको मंगाया था। भाई साहब ये इतना हेयर हेडफोन है, हेयर का इंसेंस ये, मतलब कि एक साल से इसको मैं चला रहा था ये अभी तक खराब, मगर अब इसका जो है क्या हुआ कि बाबू का तेल यहाँ पे रखा था मेज पे, वो इसके माइक में चला गया जिसकी वजह से माइक तो ख़राब हो गया, मगर भाई साहब आज भी इसका स्पीकर फर्स्ट क्लास से काम कर रहा है, बहुत अच्छा इसका मतलब जो है रिस्पॉन्स रहा। अब इनका चेक करना, हालांकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मैं देख रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पहले इसको महेश ने चलाया, फिर इसको विशाल ने चलाया, फिर हमारे रिस्पेक्टेड प्रवीण सर ने चलाया, और अब जाके फाइनली मैंने भी ले लिया इसको, और थोड़ा देखता हूँ इसका क्या हाल चाल है। अगर आप लोग भी इसको खरीदना चाहते हैं या इसको खरीदना चाहते हैं तो एक बार लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, बात मानिए मेरा, आपको मार्केट प्राइस जो है उससे भी सस्ता वाला खोज के निकालूंगा मैं जो बढ़िया रेटेड हो। ये लोग उनको मतलब ये बात बोल ही नहीं सकती, ये और इनकी बुआ दोनों, मतलब ये इनकी मम्मी और इनकी बुआ दोनों लोग हमको आदमी बोल, ये आदमी कल आएगा, ये आदमी कल चला जाएगा, बेटा युगु, ए युगु हमको सब लोग आदमी बोलना है, बता दे तो कह रहे हम पापा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, देखो बोल दो तो बेटा हम सबसे ज्यादा पापा से प्यार करते हैं।